तो फ्रेंड मैं आपका दोस्त मनोज दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने लेआउट वाले वीडियो बनाए थे उसी पे मैं कुछ नया इफेक्ट बना करके आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसफॉर्म टूल कैसे काम करता है। दो दो ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये बोर्ड बनते कैसे हैं और चलाए कैसे जाते हैं। और दूसरी बात कि यार आप लोग मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो भाई वीडियो देख लिया करो, या तो फिर अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं वही बनाऊंगा 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो, तो उसमें से आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए जो है पूरी वीडियो देखो। और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ 3% लोग ही जो है पूरा वीडियो देखा है, बाकी किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार इतना लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं है क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई अगर वीडियो चलो जो बात हो गया हो गया, जो अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम करते हैं। ये देखिए जैसे कि पिछले बार हमने जो ट्यूटोरियल बनाया था उसी का हमारा पास डाटा अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो है मैंने ये चीज़ बनाई है, तो इसमें कटिंग किए हूँ, इस पर डबल क्लिक मारूंगा, ये मास्किंग आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है नीचे वाला लेयर को जो है डिलीट मारता हूँ, डिलीट। इस पर देखो ये मास्क किया हुआ है और मास्किंग मैंने देख लो जैसे मैंने रॉ में किया था, ये मास्किंग कर रखा हूँ यहाँ से। ऑपेसिटी जो है इनसाइड 0 है, सॉफ्टवेयर 60% है, आप भी सेम ऐसे ही करना। और अब हम एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर यही ये वीडियो अगर हम इसके नीचे ला कर छोड़ते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करनी है, ये बिन पैनल में जाना है, राइट क्लिक मारनी है और यहाँ से न्यू क्लिप पे जानी है और यहाँ पे जो है कलर मैट पे जाना है। आप कलर मैट लेनी है ब्लैक, ठीक है, हमेशा ब्लैक ट्रांसपेरेंट होता है, और ओके कर देनी है। और यहाँ से ऑडियो बंद कर देनी है और यहाँ से जो टॉगल इंसर्ट इसको भी बंद कर देनी है ताकि इसके साथ में ऑडियो ना आए, नहीं तो बहुत सारा लंबा लेयर बन जाएंगे। ये देखिए अभी आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, ये मैं आपको 3D इफेक्ट ही मैं समझ लो 3D इफेक्ट ही बनाना बता रहा हूँ। और ये ट्रांसफार्मर टूल इफेक्ट में जाओगे, इफेक्ट में जाओगे, ये ट्रांजिशन में जाओगे, GPU में जाओगे, एडवांस में जाओगे, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर टूल 2 मिलेगा, ये वाला इस पर ला के छोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ला के फटाफट कर लेता हूँ, मैंने इसको जो है शॉर्ट में यहाँ पे ले रखा है अपना इधर, मेरा यहाँ कहीं बना हुआ ये वाला है मैंने बना रखा है। इसको सिंपल से क्या करनी है, इस पर छोड़ दूंगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। और ये हर वीडियो पे अप्लाई होगा और ऑटोमेटिकली इस फ्रेम के अंदर में वीडियो सेट हो जाएंगी, उस हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। अब मैं देखो क्या करता हूँ, ये वीडियो ला के छोड़ दिया, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, ठीक है। आप देखो आप अपने आप ही इसमें फिट हो गया। और इस वीडियो को कटिंग करने के लिए M का बटन का प्रेस करेंगे तो वीडियो आगे के कट के डिलीट हो जाएगा, N का बटन प्रेस करेंगे तो पीछे के वीडियो कट के डिलीट हो जाएंगे अपने आप ही, जो कि अपने लिए सही है। अब मान लीजिए कि ये वाला ऊपर कलर मैट को जो हम डिसेबल करते हैं तो ये क्लिप हमारा फुल स्क्रीन में आ गया, ठीक है, फुल व्यू में आ गया। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो इस पर हमने जो है ट्रांसफार्मर टूल 2 लगा रखा है तो ये हमारा ऐसे हो गया, इसके अभी सेटिंग साइज नहीं है। तो अब इसकी सेटिंग पर डबल क्लिक मारते हैं, यहाँ से जो है गैंग को चेक करनी है और इसको थोड़ा सा जो है बड़ा कर देनी है, बस हमारा काम खत्म। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने बनाया था वीडियो ये जो 3D वाली बताया था इसको भी, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ऑडियो और टॉगल इंसर्ट बंद होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको, या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको एक काम ये है कि आप यहीं पे कर सकते हो तो यहाँ मल्टीपल लेयर हो जाएगा जो कि आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ इस वाला लेयर पे जो है 5 नंबर वाला जो हमारा ट्रैक है बिन है, ये देखिए मैं यहाँ पे ऑडियो लग रखा था, तो 4-4 ऑडियो आ गया जो कि मेरे को नहीं चाहिए, और इसको हम करते हैं बंद। अब हम लाएंगे तो कपल को बीच में डालेंगे, पहले गर्ल डालते हैं, देखो अभी भी आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, Ctrl Z और ऊपर में रखेंगे, अब इसको नीचे कर देंगे, नहीं आएगा सेम बल, ठीक है।
इस पे जो है हम F7 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से स्ट्रेच जो है यहाँ पे 33% कर देंगे, ठीक है 33% करेंगे। इसको करते हैं 33% माइनस, एक मिनट चल रहा भाई माइनस की बटन। मान लो नहीं चल रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम है कीबोर्ड में शायद, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता। स्ट्रेच हमने 33% कर दिया, इसको ले आ करके जो है यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब जो है मैं बॉय का होगा मेरे पास, बॉय ये रहा, अब बॉय को लाएंगे यहीं पे और ठीक इसी का लेआउट जो है उठा करके जो है नीचे वाला गर्ल वाले लेआउट इस पे रख देंगे, ये वहाँ सेट हो जाएंगे। और इस पे हम F7 दबाएंगे और इसके स्ट्रेच पे जो है सिर्फ माइनस का बटन चल रहा भाई, नहीं चल रहा पता नहीं क्या हो गया। और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको नीचे खींच देंगे, उससे होगा क्या कि अपना जो है बिल्कुल सेंटर सेंटर में ये आ जाएगा। अब जो है हम कपल को लाते हैं, तो ट्रैक हमारा कम है तो कपल का लाएंगे और इसको जो है यहाँ से ट्रैक बढ़ा लेंगे, और कपल का लाएंगे इस पे कपल को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और यही वाला जो है लेआउट जो है इसका वाला लेआउट इस पे अपने को छोड़नी है, तो आप देखिए वो नीचे चला गया। इस पे F7 का बटन प्रेस करेंगे, लेआउट खुलेगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, माउस का जो है राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबा करके ऊपर ले खींचेंगे और जो है बिल्कुल सेंटर में जाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये हमारा ये सारा सके सारे जो है सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर यहाँ बन के आ गया। अब चलते हैं सीक्वेंस नंबर 2 पे, जो मल्टीपल लेयर जो सीक्वेंस बनती है। तो किसी ने जो है हमारा गुजरात से है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं उनका नाम अभी नहीं बोलूँगा वीडियो में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये मल्टीपल लेयर हो गया हमारा 1 2 3, यानी कि तीन मतलब हमारा, यानी कि इसके अंदर में 6 वीडियो लगी हुई है, 3 PNG 3 वीडियो। तो ये सब चीज़ें जो है वीडियो पे बनाओगे तो कंप्यूटर हैवी हो जाएगा, तो आपको बनाना चाहिए इसको जो है JPG पे बना लो, फिर वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। JPG का भी नाम सेम ही रखना जो आपके वीडियो का नाम है, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज करा दो, जहाँ से भी है वहाँ से उसको फोल्डर को डिलीट कर दो और जो है उससे लिंक करा दो, हो जाएगा। तो ये अपना ये 3 वीडियो यहाँ आ गया। अब हम चलते हैं इस वाले लेयर पे, तो ये हमारा वाला लेयर जो है यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं इस पे जो है क्लोज ऑल अदर क्लोज कर देते हैं और ये सीक्वेंस नंबर 5 जो है इस पे ला के रख देते हैं। अब ये देखो, एक तो इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से काम ये कर सकते हो कि इस पे जो है F7 के बटन प्रेस करो तो ये खुलेगा, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखिए और इसको सीधा, शिफ्ट का बटन रखने से जो है ये बिल्कुल सीधा में जाता है, ठीक है। बस फायदा यही है शिफ्ट का बटन प्रेस करने से, और इसको हम ओके कर दें, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और आप जो है ट्रांसफार्मर टूल के जो बात बता रहा था, ये हमारे वीडियो फिल्टर में मिलता है ट्रांसफार्मर, मिल रहा है ट्रांसफार्म, ये भी इफेक्ट देखो। बहुत सारे लोग पूछा था कि डायरेक्टली वीडियो को अप्लाई होगा या नहीं, आप इसको सेलेक्ट करके जो है ट्रांसफार्मर टूल यहाँ पे अभी आके छोड़ दोगे, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इससे भी जो है आप इसको इधर उधर करा सकते हो, आप देख लो, मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा ये इधर उधर होगा, जहाँ पर भी रखना है आपको वहाँ चला जाएगा। तो लेआउट से करेंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा फिल्टर यूज करेंगे उतना अपने लिए प्रॉब्लम है, तो जितना ज़्यादा लेआउट पे हो सके उतना ज़्यादा आप ये बनाइए। अब ये देखिए, ये हमारा जो है बन गया, ठीक है। ये देखो, ये वाला वीडियो जो है फुटेज जो है यहाँ पे हम चलते हैं, ये वाला फुटेज छोटा है, इसको क्या करेंगे कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और माउस का राइट क्लिक दबा के रखेंगे और खींचेंगे और बिल्कुल जा करके छोड़ देंगे, और ओवरराइड मांगेगा बिल्कुल कर देंगे ओवरराइड। अब जो है इस पर एम का बटन प्रेस करेंगे और ये फुटेज इसको सेलेक्ट करके एम का बटन प्रेस करो, ये कट के डिलीट हो जाएगा। अब अपने जानिए सीक्वेंस नंबर 2 पे, तो ये भी चीज़ जो है इतना ही बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे,
अब मैं कोई भी फुटेज रखूंगा इसके नीचे में तो ये परफेक्टली चलेगा। मान लीजिए ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और मान लो कि क्योंकि इतना बड़ा तो आप बनाओगे नहीं, स्वाभाविक सी चीज़ है, कोई भी जो है इंसान जो है इतना बड़ा इफेक्ट बनाता नहीं है, तो अपने को यहीं तक का चाहिए। तो इन दोनों क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, एम का बटन प्रेस करेंगे, कट के ये डिलीट हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है, अपने को अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमारे को ये कपल का जो फुटेज है ले आएंगे और इसके नीचे रख देंगे, ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएंगे, ठीक है। और माल भाई यहाँ से इसको जो है एम का बटन प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि एक हमारे पास बेहतरीन इफेक्ट तैयार हो गया। अब इसको हम स्लाइड करवाएंगे। स्लाइड कैसे करवाएंगे, आप जो है हम वीडियो फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे को मिलेगा लूप स्लाइडर, ठीक है, लूप स्लाइडर मोशन, ये लूप स्लाइडर छोड़ देंगे। अभी देखिए इसको आपने को करनी है जीरो, ठीक है, जीरो क्यों नहीं चल रहा भाई, इसको करनी है जीरो, और ये जो है पोजीशन जो है और इसी को कर देना है यहां से माइनस, माउस कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अरे भाई रुक जा यार। हॉरिजॉन्टल को जीरो कर देते हैं और ये जो है अपना वर्टिकल को जो है यहाँ पे 7% करते हैं, ओके कर देते हैं। अब इसमें जो है पोजीशन को अपने को सेलेक्टेड करनी है, पोजीशन हाँ ठीक है, ये सेट हो गया। मेरे कीबोर्ड में शायद बैटरी डाउन हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दबाता कुछ और होता कुछ और है। ये जो है ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट है जो है आपका बन चुका है, ठीक है। अब इस इफेक्ट को जो है आप कहीं पर भी जो है रख सकते हो, सिर्फ नीचे का वीडियो डिलीट करो, लेकिन हाँ ये कलर मैट अगर डिलीट करोगे तो फिर ये इफेक्ट जो है इसके अंदर जो हार्ड शेप है यहाँ पे वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा रहना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि सारे चीज़ों को, सारे जो हमारे पास चीज़ें हैं मैं उसको करता हूँ डिलीट, यहाँ से किया क्लोज, ऑल अदर सीक्वेंस क्लोज। अब इस सीक्वेंस को पकड़ के लाया और यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने नया सीक्वेंस बनाया, इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब मैं एक और कोई वीडियो लेता हूँ, मान लीजिए एक गर्ल की वीडियो ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है, डबल क्लिक मारा मैंने इस पर और वीडियो लाया और छोड़ दिया, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में वीडियो सेट हो गया, ठीक है, और अपने को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, फटाफट काम हो गया। तो ऐसे करके आप बना के रख सकते हो और आगे जो है काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ भाई शेयर करा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतना तो मेरा बनता है यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में, और दूसरे ट्यूटोरियल में जो है मैं इसी को आगे बढ़ाते जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बोला है व्हाट्सअप पर कि मनोज भाई आप जो है इसी जो है बेसिक वीडियो हमें चाहिए। तो बेसिक वीडियो ही अच्छा चीज़ होता है, एडवांस जो बेसिक से होते 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 ऑटोमेटिकली आप एडवांस सिस्टम पे चले जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मास्किंग के बारे में बताऊंगा कि मास्क कैसे लगाया जाता है, सिर्फ इसमें मास्किंग क्या है, मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और सबसे जो है वीडियो का मतलब किसी भी वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर का जो खासियत होता है वो कलर करेक्शन होता है, कलर करेक्शन बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है, ठीक है। तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो उसके पहले तो मैं मास्किंग के बारे में बनाऊंगा, फिर उसके बारे में बनाऊंगा, ठीक है।
चलो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ट्यूटोरियल में।